Morning, and we welcome you to the special webinar of BW Police World with SP Durg Bhilai Abhishek Pallava. Thank you so much for joining us, sir. Thank you, ma'am. Sir, हम आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं with the recent police. You received the police medal for gallantry, especially for your initiative Lone Baratu, which was homecoming of the Naxals in zone area of Chhattisgarh. तो इसके बारे में सर बताइए, where it is being said that more than 600 Naxalites returned to their homes, so we can say they transformed, their lives got transformed with this initiative. Please tell us more about this. दंतेवाड़ा जिला 2016 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे इंडिया के टॉप 3 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में था. वहाँ पे करीब 150 ग्राम पंचायत में 100 ग्राम पंचायत नक्सली कब्जे में थे, जहाँ पर उन्होंने हर ग्रामीण को किसी न किसी ढंग से नक्सल संगठन से जोड़ लिया था. कुछ ज्यादातर लोअर रंग माओवेस्ट कार्डर्स, जैसे कि जन मिलिशिया, उनके लिए गाना बजाना करना, उनके लिए खाना पकाना, उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई, फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, क्योंकि ज्यादातर लोग नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे, तो सबको यदि गिरफ्तार किया जाता तो गाँव में भी पुलिस के खिलाफ माहौल बन रहा था. पुलिस जब गाँव जाती थी तो सभी ग्रामीण भाग जाया करते थे, केवल बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं बसती थी. पुलिस में काफी असंतोष, पुलिस के लिए काफी अविश्वास था लोगों के मन में. तो इसीलिए हमने लोन वराटू अभियान लॉन्च किया, जिसमें कि जितने गांव के नक्सल संगठन में शामिल लोग थे उनकी सूची गांव में चस्पा की गई, उनके फैमिली को काउंसिल किया गया कि यदि ये नक्सल संगठन में इनका नाम है, इनके पकड़े जाने पर इनको कैद हो सकती है, परिवार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि सरेंडर करता तो उसकी नक्सली हत्या कर देते पुलिस मुखबिरी के शक में. तो इसीलिए हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके गांव में जितने भी लोग संगठन से जुड़े हुए थे सभी को हमने जोड़ा. इसके लिए जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज थे, टीचर्स, आंगनवाड़ी फंक्शनरी, सभी को कहा गया कि आप लोग जाएं और गांव में मोटिवेट करें. जो उनके सरपंच थे, पंच थे, उनसे बातचीत की गई. इन 100 ग्राम पंचायतों से एक साल के अंदर 600 छोटे स्मॉल रंग माओवादी सरेंडर किए. इन 600 में 100 जो है इनामी माओवादी थे और 500 स्मॉल रंग माओवादी थे. इनके सरेंडर करने से इन लोगों ने गांव में ही अपना रोजगार शुरू कर दिया. गांव में स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जिसको पहले इन्होंने तोड़ा था, इसी को ये बनाने के कार्य में लग गए. खुद ही इन लोगों ने रोड बनाने, खुद ही इन्होंने पुलिस कैंप्स की मांग की, रोड्स की मांग की, हॉस्पिटल्स की मांग की, और इसका नतीजा ये रहा कि 2 साल के अंदर आज दंतेवाड़ा पूरी तरह से करीब नक्सल मुक्ति की ओर जा रहा है. तो एक नया चेंज था कि हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में पुलिस जा नहीं पाती थी. तो हमने हेल्थ अथॉरिटीज के साथ, एजुकेशन अथॉरिटीज के साथ लाइवनिंग करके वहां जाने लगे. पुलिस द्वारा जो है करीब 200 मेडिकल कैंप्स लगाए गए, काफी बंद स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर खोला गया. तो इसका नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन हुआ, एक मॉडल बना, जिसको कि दूसरे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है बस्तर में, सुकमा है, बीजापुर है, वहां भी एमुलेट किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये अपने लोग थे जो कहीं ना कहीं पद भ्रमित होकर माओवाद संगठन में चले गए थे, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो सरकार की जो सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी थी उसको लोकल लैंग्वेज में प्रोपोगेट करके लोकल न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, जो जितने सरकारी कर्मचारी थे उनको मोटिवेट करके गांव में जो है सम्मेलन करके ग्रामवासियों को समझाया गया. जो लोग शुरू में सरेंडर किए उन्हीं को रोल मॉडल बनाया गया, उन्हीं के द्वारा दूसरे लोगों को मोटिवेट किया गया. लगातार जो है नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोगों की सूची को अपडेट किया गया, जिससे कि सही लोगों को सरेंडर कराया जा सके. और सरेंडर के बाद हमने रिहैब पैकेज जो था उसको जो है फॉलो किया. 10,000 रुपीज तुरंत दिए गए और उसके बाद उनको रोजगार के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए, बैंक से बात करके लोन्स. तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है मुख्य धारा में जुड़ गए. सर आपका, आपको 26 जनवरी को इसके लिए गैलेंट्री मेडल मिला, सर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मुझे दिया गया कि 2019 में एक नक्सल मुठभेड़ हुआ था जिसमें कि 5 जिसमें 2 माओवादी, इनामी माओवादी मारे गए थे, उनके पास वेपन्स रिकवर हुआ था. जिस गांव में ये मुठभेड़ हुआ उसके बाद वहां पे पुलिस कैंप खुला, वहां पे 100 से ज्यादा लोग आत्मसमर्पण किए, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स बने. करीब 5,000 की आबादी जो नक्सल कब्जे में थी वो मुख्य धारा में जुड़ी. इसी उपलब्धि के लिए जो है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मुझे पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री प्रदान किया.
ये आप छत्तीसगढ़ पुलिस में आपने ज्यादा करके नक्सल एरियाज में आपको सुपरविजन का मौका मिला। मेरे ध्यान में रहा है कि 7 साल, अराउंड 7 इयर्स आप नक्सल अफेक्टेड एरिया के एसपी रहे, इसके पहले एडिशनल एसपी रहे। सर थोड़ा बताइए कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग कितना डिफरेंट है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन अ माओइस्ट अफेक्टेड स्टेट। बहुत ही अलग है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, क्योंकि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, यहाँ पे नक्सलियों की बड़ी बटालियन जो है, बटालियन नंबर 1 काम करती है, जिसमें 400 से 500 माओवादी किसी भी समय जो है एक जगह जमा हो जाते हैं, और उसके बाद वो जो है पुलिस के ऊपर हमला भी कर देते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं बस्तर में हुई हैं। दंतेवाड़ा में 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, 2017 में 25 जवान और 18 जवान शहीद हुए। काफी खून से भरी हुई ये धरती है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस और छत्तीसगढ़ पुलिस एक साथ मिलके लगातार जो है इसपे अब कार्रवाई कर रही है, और काफी बड़ा इलाका जो है नक्सलियों से अपने कब्जे में ले लिया गया। इम्पोर्टेंट है कि जो वहाँ की जनता है उसके साथ उनके विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की जो थियोरी है कि लगातार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एक्शन, उनके साथ नाच गाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, उनके साथ मेडिकल कैंप्स, उनकी भाषा को जानना, उनकी संस्कृति को जानना, धीरे धीरे करके कैंप्स लगा के आगे बढ़ना। जो भी पुलिस कैंप बनते हैं वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर्स की तरह हो, जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, राशन, क्योंकि नक्सलियों ने सारे रोड्स को तोड़ दिया था, तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से जियो के टावर्स आ रहे हैं, करीब 700 टावर्स एलडब्ल्यू एरिया जो बन रहे हैं, तो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। वहाँ पे टाटा स्काई डीटीएच आ रहा है, तो लोग देश दुनिया से जुड़ रहे हैं। जो स्कूल तोड़ दिए गए थे वो स्कूल को बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज के ट्विन काम है, एक डेवलपमेंटल एजेंसीज को पेनिट्रेट करने के लिए जो है वो एक रास्ता देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और फिर उस एरिया को पेनिट्रेट करना, फिर माओवादी से क्लियर करना और फिर डेवलप करना। तो इस छत्तीसगढ़ पुलिस जो है सीआरपी पैरामिलिट्री फोर्स मदद से विश्वास, विकास और सुरक्षा की ट्रिपल स्ट्रेटेजी पे जो है काम कर रही है। सर अब आप बहुत सालों बाद एक पोस्टिंग पे हैं विच विल बी कॉल्ड अ पीस पोस्टिंग इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़। सो दुर्ग भिलाई कैसा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ अब आपकी पुलिसिंग कैसे डिफरेंट हुई है। काफी अलग है। दुर्ग भिलाई जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट जो है वो काफी बड़ा स्टील प्लांट है। ये नेशनल हाईवे पे है, जो मुंबई कलकत्ता हाईवे है, नेशनल ट्रेन लाइन पे है। यहाँ पे उड़ीसा से कैनबिस और ड्रग्स भी काफी मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तरफ जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ चारों तरफ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो काफी लोग एक जगह से क्राइम करके यहाँ छिपने के लिए भी आते हैं, कभी यहाँ से क्राइम करके दूसरी जगह भी भागते हैं। तो निश्चित रूप से दुर्ग में इंटर स्टेट कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया में है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम, बाकी जो है गैम्बलिंग, आपका इलिसिट लीकर, इनकी समस्याएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मॉनिटरी ऑर्गेनाइज चिटफंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर यहाँ काम करने को मौका मिला। जो गैम्बलिंग के लिए महादेव बेटिंग ऐप, काफी बड़ा, करीब 4,000 करोड़ के बिजनेस वाला ऐप था, उस पर लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है, छत्तीसगढ़ के में सबसे ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दुर्ग भिलाई में है। तो यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, लगातार जो हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं, रोड एक्सीडेंट से कंसर्न है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल अपोजिट है दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा में केवल माविस ऑपरेशंस, लोगों को सुरक्षा देना एक काम था, जबकि यहाँ पे रेगुलर जो क्राइम्स हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में है। तो ह्यूमन ऑफेंसेस, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज क्राइम, तीनों पे जो है कार्रवाई करने का मौका भी मिला है, और लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। सर यहाँ पर आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर कोई और इनिशिएटिव्स हैं जो दुर्ग भिलाई में हो रहे हो, वेदर इट इज कनेक्टिंग मोर विद पीपल थ्रू आउटरीच प्रोग्राम्स और कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग हर जगह काम आता है। यहाँ भी मैंने आने के बाद अपना जो हेल्पलाइन नंबर, अपना पर्सनल नंबर मीडिया में पब्लिक किया, इससे लोगों में काफी रुझान आया, लोग खुल के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम्स रखने लगे।
काफी लोग रैश ड्राइविंग करते थे, आजकल बच्चे जो है रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उनका लोग कैमरे से फोटो खींच के उनकी गाड़ी का नंबर वीडियो मुझे भेजने लगे। इससे ड्राइविंग में काफी सुधार आया। काफी बच्चे आजकल नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, टैबलेट्स के, कैनबिस, ओपियोइड्स, तो उसमें भी लगातार लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी और लगातार पुलिस द्वारा जो है ये ड्रग कार्टेल्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जन चौपाल लगाए। इससे फायदा हुआ कि महिलाएं जो है शराब जो इलिसिट लीकर के खिलाफ जो है शिकायतें करती हैं, फिर महिलाओं में कॉन्फिडेंस आता है। जो रेजिडेंशियल स्कूल्स है वहाँ पे हमने अपने सजेशन बॉक्स डाले, जिसमें काफी बच्चियां और महिलाएं जो खुल के अपनी शिकायत नहीं रख पाती थी, उन्होंने अपने डब्बे में अपनी शिकायत दी, जिससे कि काफी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकी। सबसे अच्छी बात है कि जब हम सोशल मीडिया के थ्रू या अपने पर्सनल नंबर के थ्रू जनता से जुड़ते हैं, तो जो एक गैप होता है पुलिस और जनता के बीच में वो कम होता है, लोग अपनी बातें रख पाते हैं। लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हैं कि रात में डीजे 10 बजे के बाद बज रहा है, जिससे लोग सो नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लोग जब वॉकिंग के लिए जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो कुछ लोग इलिसिट कमेंट्स करना, लोग लीड कमेंट करना, छेड़छाड़ करना, उन पे तुरंत कार्रवाई करना, काफी लोग पब्लिक प्लेस में बैठ के पीना, लोगों को परेशान करना, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याओं को जब हम सॉल्व कर पाते हैं तो लोगों में एक परसेप्शन पुलिस का बदलता है। हम जो लोग सुसाइड करने के ख्याल आते हैं उनको हमने अपने हेल्पलाइन से जोड़ा है कि तुरंत वो हमारे 112 के हेल्पलाइन पे फोन करें। हमने 100 से ज्यादा लोग जो आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले थे उनको हमने रेस्क्यू किया है। तो निश्चित रूप से जनता के साथ संवाद रखने से आसूचना भी मिलती है और पुलिस का जो परसेप्शन है वो भी चेंज होता है। सर, एक सॉफ्ट पुलिसिंग का आपने एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया जिसके लिए आपकी बहुत सराहना की जाती है। सो ये सॉफ्ट पुलिसिंग क्या है और इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। इवन क्रिमिनल से सॉफ्टली बात, जनता और क्रिमिनल सभी से सॉफ्टली बात करना, और जो उन्होंने गलत किया है उसके लिए जो जुडिशरी है वो उस पर एक्शन लेगी। पहली बार दुर्ग भिलाई में हमने जो भी क्रिमिनल्स पकड़ाते हैं उनको मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्राइम के पीछे उनका क्या, क्योंकि क्राइम का सोशल, डेमोग्राफिक बहुत सारे कारण होते हैं, तो सभी के डीप में जाना और फिर करेक्टिव मेजर्स लेना। दुर्ग भिलाई में जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनके पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं और उनके फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं, जिससे वो जेल से छूटने के बाद दोबारा अपराध की दुनिया में ना जाए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आदमी जेल से निकलने के बाद दोबारा तुरंत अपराध में लग जाता है और एक व्यक्ति जिंदगी भर अपने अपराध को रिपीट करता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपराधी को पकड़ना भी है और उन्हें रिफॉर्म भी करना है, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ के अपना जीवन व्यापन कर सके। सॉफ्ट पुलिसिंग के अंतर्गत लगातार स्कूल्स में, कॉलेजेस में पुलिस जाके लोगों के साथ संवाद कर रही है। हमारे फेसबुक पेज पे करीब 2 लाख हमारे मेंबर्स हैं। हम लोग जो वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उसपे करोड़ों व्यूज होते हैं, लाइक्स होते हैं, जनता उनसे जुड़ती है, वहां पे अपनी सजेशंस डालती है और उन सजेशन से पुलिस कार्रवाई करती है। हमने हर थानों में क्यूआर कोड लगाया है, जिसमें कि आप स्कैन करके ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हैं और इस पे पुलिस कार्रवाई करती है। तो एक पहले एक परसेप्शन था कि पुलिस केवल डरा के, धमका के, अभद्र भाषा का प्रयोग करके ही क्रिमिनल्स को ट्रीट कर सकती है, लेकिन एक क्रिमिनल्स को समझा के उनको मुख्य धारा में जोड़ना भी, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा अप्रोच है सर। इसकी बहुत तारीफ की जाती है छत्तीसगढ़ पुलिस में जो आपने किया है। सर, कुछ सालों पहले आपकी एडिशनल एसपी जब आप थे तब आपने एक बहुत इनफेमस माओइस्ट था सोमारू, उसका एनकाउंटर किया था और उसे आप हॉस्पिटलाइज भी करने ले गए, तो उस चीज में आपका बहुत अप्रिसिएशन हुआ था सर, दैट यू वेंट टू हॉस्पिटलाइज अ टैक्सिल विच यू शॉट डाउन इन अ पुलिस एनकाउंटर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर कि ये जो आपका था स्टेप, ये आपने क्यों लिया था? 17 मार्च 2017 में एक हाईली अफेक्टेड नक्सल विलेज में नक्सल और पुलिस के बीच में 9 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें कि 5 माओवादी मारे गए, 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। एक माओवादी भी घायल हुआ। उसके घायल होते ही, क्योंकि 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, तो पुलिस वालों में इतना गुस्सा था कि वो उसकी हम उसकी भी एनकाउंटर करने के लिए उतारू थे।
हमने तीन, क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैंने एम्स दिल्ली से एमडी सेक्रेटरी किया है, मैंने तुरंत उन तीन पुलिस घायल पुलिस वालों को तुरंत वही ट्रीटमेंट किया, और जो घायल माओवादी था वो मदद मांग रहा था उसको भी हम खींच कर लाए, और उसको भी उन्हीं के साथ ट्रीटमेंट करके सेम एम्बुलेंस में तीन पुलिसकर्मी, घायल पुलिसकर्मी और एक घायल माओवादी जिला अस्पताल पहुंचा। वहां पे घायल माओवादियों का भी इलाज हुआ और वो ठीक हुआ। 3 साल की जेल हुई, सजा हुई उसको। उसके बाद वो, जब वो जेल से छूटा, तो माओवादियों का साथ छोड़ के वो गांव में अपने खेती बाड़ी में लग गया, और गांव में जो बाकी जो पद से भटके हुए माओवादी थे उनको भी उसने आत्मसमर्पण कराने में एक अहम भूमिका निभाई। कि माओवादी भी इसी देश के नागरिक हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, काफी समय से विकास से दूर रहे, तो माओवादियों ने उन्हें ब्रेन वॉश करके उनको जो है हिंसा के रास्ते पर उतार लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी समझाने से वो भी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और एक डॉक्टर का एक दायित्व है और एक पुलिस अधिकारी का भी दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति यदि घायल हो, युद्ध के भी नियम है, घायल व्यक्ति पे हमला नहीं करना चाहिए और अपने नागरिक पर तो कभी भी हमला नहीं करना चाहिए। तो उससे आसपास के काफी गांव में भी असर पड़ा और काफी लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। सर, आपने अभी मेंशन किया दैट आप एक डॉक्टर हैं, आपने एम्स से साइकियाट्री की शिक्षा ली है। तो सर, आपने आपका ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम मेडिसिन टू पुलिसिंग, ये कैसे हुआ सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैंने एम्स दिल्ली से एमडी सेक्रेटरी किया। मैंने देखा कि काफी मरीजों को हम इलाज करते हैं तो काफी लोग दवाई नहीं खरीद पाते, काफी लोग पारिवारिक विवाद के कारण जो है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यदि ज्यादा लोगों के अंदर अपनी पैठ बनानी है तो हमें फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, जिला लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2012 में दिया, फिर सेलेक्ट होके मुझे आईपीएस मिला। आईएएस आईपीएस जिला लेवल पे काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और एज ए फैमिली, एज ए मॉड्यूल को हम ट्रीट करने में, क्योंकि कोई भी बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसके आसपास का मिल्यू ठीक ना हो। ज्यादातर लोग जो नशा करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, दोस्त उनके वैसे हैं। तो केवल एक ओपीडी में बैठ के यदि हम इलाज करें तो केवल कुछ लोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन यदि हम फील्ड में रह के एक पॉलिसी में चेंज करें तो हजारों लाखों लोगों को मदद मिल सकती है। तो इसीलिए पुलिस की तरफ बिल्कुल में रुझान हुआ और जो मेडिकल है उसने पुलिस ने मुझे बहुत मदद की। जब मैं दंतेवाड़ा में था तो हमने 200 से ज्यादा फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, जहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। मेट्रो में तो काफी डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पे कोई भी जाए पे करे डॉक्टर ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन ऐसी जगह पर सेवाएं देना जहाँ पे दूर दराज तक कोई डॉक्टर्स नहीं दिखते, जहाँ पे इलाज करने से हजारों लोगों की जान बच सकती है, और इस मेडिकल एजुकेशन के कारण एक सॉफ्टनेस मेरे एटीट्यूड में आया, जो कि एक पुलिसिंग में भी डाइवर्सिटी ला रही है। और एक समय कहा जाता था केवल पुलिस हार्ड पुलिसिंग से ही पुलिस जनता पे या क्रिमिनल्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से फिर डाइवर्सिटी भी पुलिसिंग में आई है। इससे सर कहा जाता है कि आप जहाँ भी जाते हैं, टिल नाउ जो भी ऑपरेशंस में आप जाते हैं, आपके पास हमेशा सेट ऑफ मेडिसिन एंड इंजेक्शंस होते हैं जो इमरजेंसी में कभी किसी के काम आ सके, ये हमने सुना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये मैं डब्बा रखता हूँ मेडिसिन का। कभी भी एक बार अभी हम लोग जाए थे, एक महिला जो है उसको तुरंत डिलीवरी स्टार्ट हो गया, तो तुरंत हमने अपने पुलिस वैन में ही उसको रख के उसकी डिलीवरी करवा दी। तो निश्चित रूप से छोटे छोटे चीजों से लोगों से आदमी जुड़ता है, और हेल्थ ऐसी जी चीज है जिसमें लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ बिल्कुल डॉक्टर। तो निश्चित रूप से पुलिसमैन में भी डॉक्टर तो मैं हुई हूँ। सर, आपकी ये सारी इनिशिएटिव्स और आपका ये जो डिफरेंट अप्रोच है, इससे इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस में इसलिए आपकी काफी सराहना होती है आपके काम की। सर, हम आपसे अंत में बस इस कॉन्वर्सेशन के ये जानना चाहेंगे कि आप व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल। आपने इतने टाइम मैसिव एरिया में काम किया, अब आप एक इंडस्ट्रियल जोन की पुलिसिंग कर रहे हैं। आपके फेलो जो आपके काउंटर पार्ट से, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि जितना डिफिकल्ट एरिया में हम काम करते हैं हमारी पर्सनैलिटी उतनी निखरती है, और उतना एक्सपोजर और पर्सनैलिटी हमारी डाइवर्स होती है। कभी भी हमें चैलेंजेस से नहीं डरना चाहिए। जितना टफ सिचुएशन है आदमी को उतना टफ होके और काम करना चाहिए। जनता से मेरी यही अपील है कि वो नशे से दूर रहें। यूथ जो है वो एक एम बनाए लाइफ में,
और उसमें पूरी जद्दोजहद से लग जाए, जिंदगी में शॉर्टकट्स की तरफ ना जाए। काफी लोग शॉर्टकट यूज करने के लिए, जल्दी पैसा बनाने के लिए, पैसे की लालच में अपराध की दुनिया में कूद जाते हैं, जिनके बहुत ही ग्रेव कंसिक्वेंसेज होते हैं उस व्यक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए। तो लोग मेहनत करें और एक आत्मसम्मान की जिंदगी जिए, जिससे कि उसका अपनी भी छवि सुधर पाए और देश का भी राष्ट्र निर्माण भी संभव। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। थैंक थैंक यू यू। सो मच।